हरी ओम सभी को। वसुंधरा पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, हम आज सांभर बनाने जा रहे हैं। सांभर बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ले रखी हैं। इसमें हमने गाजर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में पीले वाले गाजर जो हैं वो काट लिए हैं। लौकी लिए हैं और ये भिंडी डाल रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो भिंडी डालिए, न डालिए, पर हमारे जो बच्चे हैं ना वो कह रहे बुआ जी भिंडी डाल दीजिए, तो मैं भिंडी डाल रही हूँ। और ये सेम है, हम सेम लिए हैं। बैंगन है, छोटे छोटे बैंगन है, सफ़ेद वाले बैंगन है, ये हमने पानी में डाल रखा है, नहीं तो काले हो जाएंगे। ये सहजन है, सहजन को भी हमने इतने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। आप चाहें तो इससे बड़े टुकड़े भी डाल सकते हैं। सहजन के बिना तो सांभर सूना रहता है। और ये हमने प्याज काट के रखा है, करी लीव्स है। चलिए अब हम मन बनाना शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए ये हमने लिया है तुअर की दाल, इसे अरहर की दाल भी बोला जाता है। अब हम इसे धुल के कुकर में डाल देंगे। ये देखिए, कुकर में हमने दाल को धुल के अच्छी तरीके से रख दिया है। दो पानी से हमने दाल को धुला है, साफ हो गया है दाल हमारा। बैंगन डाल देंगे दाल में, ये सहजन है, सहजन को डाल देंगे। गाजर है, गाजर को डाल देंगे। भिंडी है, भिंडी डाल देंगे। आप चाहे तो भिंडी ना डालें। ये हमने सेम लिया है, सेम डाल देंगे। आप अपने पसंद की सब्जी डाल सकते हैं सांभर में। लौकी डाल देंगे। ये प्याज और करी लीव्स है, इसे डाल देंगे। ये हमने दाल में डालने के लिए मसाला लिए हैं। ये हम लिए लाल मिर्च, सांभर मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, डाल देंगे सभी को। ये हमने पानी लिया है, पानी डाल देंगे आप। दाल के अकॉर्डिंग पानी डालना है, थोड़ा और पानी डाल देंगे। और अब इसे गैस पे चढ़ा देंगे ढक्कन बंद करके। चार सीटी लगाने के बाद इसे उतार लेंगे। चार सीटी इसलिए लगाएंगे क्योंकि अच्छी तरीके से गल जाएगी दाल और सब्जी दोनों। ये देखिए, बन के तैयार हो गया अच्छी तरीके से। ये देखिए, सांभर को बघारने के लिए हमने लिया है देसी घी। ये हमने लिया है जीरा, करी पत्ता, राई, हींग, राई, करी पत्ता, जीरा, हींग डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे सांभर मसाला थोड़ा सा, चला देंगे। इसके बाद हम दाल डाल देंगे। दाल देखिए हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। अगर आपकी दाल ना गली हो तो उसे मथानी से मथ दीजिए। और अब हम इसे डाल देंगे। ये हमने घी गर्म, ये हम चमचे में घी गर्म कर लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे दो लाल मिर्च और ये डाल देंगे कश्मीरी मिर्च। इमली की खटाई हमने नहीं डाला है इसमें, तो ये हम डाल रहे हैं छोटी अमिया, इसे टिकोरा भी बोलते हैं, इसी को काट के हम इसमें डाल देंगे। दाल गर्म है, अच्छे से हो जाएगा। ये हमने आम को काट लिया है और इसमें हम डाल देंगे। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। हरिओम सभी को।